आज के टाइम पे तो मोबाइल हम सबके पास रहता है। हमारी फैमिली में देखा जाए तो मम्मी पापा भाई बहन जितने लोग हैं सबके पास कोई ना कोई एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होगा। एंड्रॉयड नहीं तो हमारे दादाजी के पास भी जो है कि आज के टाइम पे कीपैड फ़ोन रहता है। ठीक है, फ़ोन तो हम सभी रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई कमी आ जाए, कोई बिगड़ जाए हमारा फ़ोन, सपोज करिए कि हमारा फ़ोन डैमेज हो गया, टूट गया जैसे कि देखा जाता है, तो हम दौड़ के शॉप के पास आते और उस दिन तो पूरा मूड एकदम ख़राब रहता है इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे इतने डॉक्यूमेंट्स, इतने बायोडाटा, हमारे पर्सनल कॉल्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे उसमें होते हैं, और फ़ोन ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, मूड एकदम पूरा किचकिच हो जाता है, मूड एकदम ख़राब हो जाता है। तो अगर सोचा जाए उसको थोड़े से बिजनेस के माइंड से सोचा जाए, ठीक है, कि फ़ोन तो हम सभी रखते हैं, ठीक है, फ़ोन ख़राब भी हम सभी का होता है, अब ये देखा जाए कि उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हम लोग अगर ख़राब होता है, छोटे स्केल पर लेके आते हैं गाँव में, तो ईजिली सब, अगर नियरर मार्केट में कोई रिपेयरिंग शॉप खुल जाए तो सब बंदे वहाँ पर जाएंगे, इससे बिजनेस भी अच्छा खासा चलेगा, रोजगार भी मिल जाएगा और एक फंक्शनली में बहुत अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम लोगों को। ठीक है, तो इससे हम बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप एक छोटा सा फोल्डर लेके देखिए, 1400 रुपये का था, लगाते कितने में है, 2200-2500 रुपये में लगती है अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज ना हो तो। ठीक है, अर्न बहुत अच्छा है, ये सपोज कर लीजिए आप 40-50% अर्न कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ मैं, और मोबाइल रिपेयरिंग के भी आप लोगों को वीडियो मैं दूंगा, ठीक है, कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या बेसिक नीड्स होंगे, ये सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा अगर वीडियो लास्ट में आप लोग को अच्छी लगी तो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए। मैं एनिमेशन के जरिए आपको बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रेटेजी समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और हाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो। देखिए, बिना समय गवाए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने वीडियो पे, और देखते हैं कि क्या होने वाला है आज के हमारे इस वीडियो में, क्या खास है हमारा जो वीडियो होने वाला है मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं, समझते हैं कि क्या करना उचित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात कर ले हम लोग कि इसको कहाँ पे शुरू किया जाए, ठीक है, शुरुआत कैसे किया जाए, जिसमें देखिए बेसिक नीड्स भी हमारे हो सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोकेशन क्या क्या हो सकता है, ट्रेनिंग हमें कहाँ कहाँ से लेनी है, ये सब कुछ हमें वहाँ पे देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि लोकेशन हमारी कौन सी है। लोकेशन में आप लोग जानते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हम लोग दवा के शॉप पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, ठीक है, ये देखते हैं कि हमारे पास फंड कितना है, फंड हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ हमें देखना होगा। ठीक है, पहले नंबर पे हम लोग आता है कि जगह का चुनाव, कि जगह हम लोग कैसे चूज करें। देखिए, कोई भी शॉप ओपन करने से पहले आप लोग को मार्केट का चुनाव करना होगा कि जहाँ पे आपकी दुकान अच्छी खासी चले, जहाँ लोगों का भीड़ आता जाता रहता हो, तो वहाँ पे लोकेशन आप चूज करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो, स्मूथली आदमी आ जा सके, ट्रांसपोर्ट में बस टेम्पू ये सब चीज़ें चलती हों, लोग पैदल आना चाहे आ सके, कोई भी लोकेशन एग्जैक्ट है कि अगर बंदा किसी से पूछे तो वो आपकी लोकेशन को बता सके। ठीक है, लोकेशन हमें ऐसा चूज करना होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें देखिए, अगर दुकान खोलना है तो सबके पास तो अपनी जगह होगी नहीं मार्केट में, या अपना सब कुछ तो होगा नहीं, तो हमें शॉप तो रेंट पे लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, शॉप रेंट पे लेना होगा, उसके लिए हमें बहुत सारे मॉड्यूल तैयार करनी होंगे, वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में दूंगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरी चीज़ मटेरियल में। देखिए, मटेरियल में बहुत बड़ी ये रोल है, क्योंकि मटेरियल एक ऐसा चीज़ है कि विदाउट आप मटेरियल कुछ नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए क्या, पेचकस किट चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है, क्योंकि इसके विदाउट आप मोबाइल नहीं खोल सकते। सोल्डिंग मशीन चाहिए, क्योंकि हमें वायर वायर जो छोटे छोटे होते हैं उनको सोल्ड करने के लिए सोल्डिंग मशीन चाहिए। ठीक है, ये सब हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, बात समझिएगा। और उसके आगे क्या है कि MSD जो है, ये एक तरह का टूल होता है जो मोबाइल में यूज होता है, जैसे फोल्डर वोल्डर निकालने और बिठाने के काम में आता है। ठीक है, डिजिटल मीटर चाहिए, उसके कंसोल को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए हमें डिजिटल मीटर चाहिए, और हमें एक कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे बेसिक नीड्स है। विदाउट कंप्यूटर आप सॉफ्टवेयर एडिट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप उनको समझने में बहुत आपको परेशानी होगी, तो ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, ये सब हमें खरीदना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अगर ये सब हम खरीद लेते हैं तो हम लोग सपोज करिए कि 50% इनिशियल स्टेज हम लोग क्रॉस कर लेंगे अपना बिजनेस रन करने के लिए। तो इतना सब कुछ तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस है। देखिए, विदाउट स्किल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें सीखना तो जरूरी है, तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। देखिए, विदाउट ट्रेनिंग हम लोग शॉप ओपन ही नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं है कि आप बंदे रख लोगे, बंदे रख सकते हो, अगर आपको सीखना नहीं है, आपके पास लार्ज स्केल में है तो आप बंदे रख सकते हो जो ट्रेनिंग है उनको हायर करके, लेकिन हाँ अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको बंदे का भी पैसा बचेगा, ट्रेनिंग आपको लेना कहाँ से, स्किल आपको सीखनी कहाँ से। देखिए, हमारे यहाँ ITI जो है
वहाँ पे भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स होता है। स्किल इंडिया के थ्रू 4 से 5 दिन का कोर्स होता है, वो भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन आप लर्निंग सीख सकते हैं यार, बहुत सारे अनगिनत कोर्स हैं, यूट्यूब पे चले जाओ आप, या आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मोबाइल लर्निंग सिखा सकती हैं। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, और बात कर लें मतलब कि 4 से 5 दिन में यार, आप डेली में मतलब कि ये सोच लो डेली रूटीन में अगर 1-2 घंटे निकालते हो तो 4 से 5 दिन में आप आराम से प्रोफेशनल टेक्नीशियन बन सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग का। ठीक है, इसके बाद अगर आप टेक्नीशियन बन गए तो आपको बहुत सारी बेसिक नीड्स पता हो जाएंगी। कई बार तो फोन गड़बड़ होते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं होता कि क्या गड़बड़ है, तो सॉफ्टवेयर से हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने किया क्या क्या। हमने लोकेशन चूज कर लिया, शॉप जो है वो रेंट पे ले लिया है। ठीक है, जहाँ पे हमें शॉप खोलनी है तो वो शॉप तो हमें रेंट पे लेनी होगी, तो वो शॉप हमने रेंट पे ले लिया। हमने किया क्या कि इक्विपमेंट्स जैसे कि जो जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हमने बाई कर लिया, जो रॉ मटेरियल जैसे कि कुछ सोल्डिंग का रंगा लगता है और कुछ डिस्प्ले लगते हैं, कुछ फोल्डर हैं, बैक कवर, ये सब जो हमें दुकान को चलाना है वो। और हमने ट्रेनिंग भी ले ली सर्विस प्रोवाइड कर कैसे कैसे हमें करना है मोबाइल रिपेयरिंग, ये हमने ट्रेनिंग भी ले ली। अब सपोज करिए 4 से 5 दिन में आपने अपना पूरा शॉप का मॉड्यूल तैयार कर लिया है कि कैसे शॉप ओपन करनी है। अब हमारी शॉप देखिए रेडी हो चुकी है रन के लिए, अब हम जो है कि अपने शॉप को चला सकते हैं बहुत इजीली और अच्छा खासा मुनाफा तैयार कर सकते हैं। देखिए जो होता है कि कॉस्टिंग की बात कर लें, देखिए मेन बिजनेस हमारा आके रुक जाता है कॉस्टिंग पे, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत बड़ा मैटर करता है हमारे बिजनेस में। अगर स्मॉल स्केल पे करते हैं जैसे गांव कस्बों में, ये समय देख लेते हैं कि छोटे मोटे मोबाइल उद्योग हमें बनाना है कि भैया छोटे मोटे मोबाइल बनाएंगे, तो अगर उसमें देखा जाए तो इनिशियली 10 से 12 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटे स्केल पे। अगर यहीं आप सर्विस सेंटर बड़े स्केल पे आप करना चाहते हैं कि लोग बहुत दूर दूर से आपके पास आएं, आपका जो लार्ज अमाउंट पे आप इसको रिपेयर करें, बंदे हायर करके करें, तो देखिए इनिशियली इसमें आपका थोड़ा सा बजट भी ऊपर जाएगा। इनिशियली आपको कम से कम नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर बड़े स्केल पे करते हो तो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्केल पे करना है, कैसे करना है, इसको पूरा मॉड्यूल मैंने तैयार कर दिया। अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं इसके लिए आपको कोर्स भी लाके दे दूंगा। ठीक है, तो होप आप लोग मेरी वीडियो से सीखते होंगे और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती होगी मेरी वीडियो से, आइडिया आप लोग को बहुत अच्छे से मिल जाता होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लेके अपने चैनल पे हमेशा आप लोग के लिए आता रहता हूँ, ताकि आप लोग कुछ नया सीखे और मैं आप लोग को कुछ नया सिखा पाऊँ। ठीक है, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आप लोग अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो, अब अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आप रुके हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।